व्यापारियों को उल्लासनगर पुलिस की तरफ से और महानगर पालिका की तरफ से यह अपील करने आए हैं कि सोमवार से शुक्रवार तक जिस तरीके से 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू था, रात को 8 से लेकर सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू था, उसी तरीके से लागू रहेगा। पर उसमें एक चेंजेस है, चेंजेस ये है कि जो भी हमारे हाथ गाड़ी वाले हैं, जूसेस वाले हैं, फास्ट फूड कॉर्नर वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, चाय वाले हैं, जो भी हमारे व्यापारी हैं, उन लोगों को किसी को भी बिठाकर चाय नहीं पिलानी है, अपने होटल में बिठाकर वड़ा पाव नहीं खिलाना है, गाड़े पर वड़ा पाव नहीं खिलाना है, गाड़े पर जूस नहीं पिलाना है, सबको पार्सल डिलीवरी और होम डिलीवरी करना है। फिर से बता दूं, चाय वालों को, बटर पापड़ी वालों को, चाइनीज वालों को, जूस वालों को, आप सभी लोगों को सिर्फ होम डिलीवरी और पार्सल डिलीवरी करना है, रुका कर बटर पापड़ी पानी पूरी कुछ भी नहीं खिलाना है। अगर कोई भी ये अपराध करते हुए पकड़ा गया तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, शुक्रवार से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक, शुक्रवार से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक हमारे उल्लासनगर शहर में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। कंप्लीट लॉकडाउन का मतलब आप सभी समझते हो, जनता कर्फ्यू। सारे शहर में शुक्रवार से सोमवार तक जनता कर्फ्यू, नाइट लॉकडाउन, रात को 8 से लेकर सुबह 7 बजे तक और शुक्रवार से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा, जनता कर्फ्यू रहेगा। इसमें कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकता। अगर कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण अपने घरों से बाहर आते हैं तो पुलिस के द्वारा उनके ऊपर कायदे से कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार से सोमवार सुबह 7 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन किया जाएगा आने वाली 30 अप्रैल तक। आने वाली 30 अप्रैल तक शुक्रवार से सोमवार कंप्लीट लॉकडाउन हर हफ्ते किया जाएगा।